hello everyone today we will study about Shah's public welfare work his revenue system and construction work done by him previous video we have studied that how did he get the throne and about his campaigns if you are new on this channel you can watch previous videos which are also related to medieval history so let's start our video एट फर्स्ट वी विल स्टडीड अबाउट हिज एसेसमेंट ऑफ़ द रेवेन्यू फ़रोज तुगलक अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर नेमली ख्वाजा हसन उद्दीन टू प्रिपेयर एंड एस्टिमेट ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू ऑफ द किंगडम इट टुक सिक्स ईयर टू कम्प्लीट हिज वर्क एंड फरोज शाह जो था उसने अपना पूरी जो किंगडम थी उसका रेवेन्यू का एस्टिमेट लगाने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर था जिसका नाम था ख्वाजा हिसानुद्दीन क्या था उसका नाम ख्वाजा हिसानुद्दीन उसको अपॉइंट किया और इस काम में पूरे छः साल का टाइम लग गया ठीक है सिक्स इयर्स लग गए पूरे इस वर्क को काम को करने में ठीक है कंप्लीट होने में कि पूरी जो उसकी रेन था जो पूरा उसका रेलम था उसकी पूरी एक जांच करने के लिए कि पूरा जो रेवेन्यू है पूरी किंगडम का उसका पूरा कि कितना कितना कहाँ से आता है कितना कहाँ पे मतलब नहीं आता है कहाँ से कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है ये सारा एस्टीमेट उसने लगवाया किससे ख्वाजा हिसान उद्दीन से ठीक है ख्वाजा टोर्ड द इंटायर किंगडम एंड प्रिपेयर प्रॉपर रिकॉर्ड्स और जो ख्वाजा था उसने पूरी किंगडम का टूर किया ठीक है दौरा किया और अपने जो रिकॉर्ड्स थे वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो थे उनको तैयार किया दे आफ्टर ही फिक्स द रेवेन्यू ऑफ द खालसा लैंड विच मीन्स गवर्नमेंट लैंड ठीक है गवर्नमेंट लैंड है उसको खालसा लैंड कहा जाता था ठीक है खालसा जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता था इन द किंगडम एट सिक्स करोर्स एंड एट्टी फाइव लैक्स ऑफ टका सिल्वर कॉइंस और जिसका जो क्या रिजल्ट निकला जो खालसा लैंड थी उसमें जो किंगडम के अंदर जितनी भी खालसा लैंड आती थी उससे पूरा सिक्स करोड़ एट्टी फाइव लाख जो टका थे उसकी प्राप्ति हुई ठीक है सिल्वर कॉइंस चलाए थे किसने फरोज शाह है ठीक है फरोज शाह ने सिल्वर कॉइंस इनको टका कहा जाता था ठीक है सिल्वर कॉइंस तो पूरा सिक्स करोड़ एट्टी फाइव लाख जो टका थे उनकी प्राप्ति हुई नाओ वी विल टॉक अबाउट इज़ न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक लॉ ही इम्पोज द फॉलोइंग फॉर टैक्सेज और जब फरोज शाह शासन आया उसका शासन थ्रोन पर बैठा तो उसने क्या किया जो बहुत सारे अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक यासुद्दीन तुगलक के द्वारा या उससे जितने भी उसके प्री डिसीजर थे उनके द्वारा जो भी टैक्स इम्पोज़ किए गए थे पब्लिक पे उन सबको हटा दिया ठीक है उसने सिर्फ फोर जो टैक्स थे जो कि शरीयत के अकॉर्डिंग थे ठीक है शरीयत यानी कि इस्लामिक लॉज ठीक है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग थे उनको सिर्फ इम्पोज किया जिसमें कौन थे फर्स्ट वन वाज खराज एंड सेकंड वन वाज जक़ात थर्ड वन वाज खाम एंड फोर्थ वन वाज जिजिया ठीक है एंड खराज वाज इट वाज द लैंड टैक्स ओके इट वाज एंड इट वॉज द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड ये एक लैंड टैक्स था जो कि पूरी जो इनकम होती थी जितना भी प्रोड्यूस होता था लैंड से उसका वन टेंथ होता था ठीक है कितना था ये वन टेंथ खराज़ जो था वो लैंड का जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका वन टेंथ फार्ट होता था ठीक है वन टेन एंड जकत इट वॉज टू एंड हाफ परसेंट ऑफ प्रॉपर्टी रियलाइज फ्रॉम द मुस्लिम एंड यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पज ऑनली और ये जो था जकत ये जो मुस्लिम लोग थे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उससे लिया जाता था कितना टू एंड हाफ परसेंट टू एंड हाफ परसेंट ऑफ देर प्रॉपर्टी उनसे ढाई परसेंट लिया जाता था जिस जितनी भी जिसकी प्रॉपर्टी होती थी वो उनसे लिया जाता था उसका टू एंड हाफ़ परसेंट टू वन एंड हाफ़ तो और उसको यूटिलाइज किया जाता था जो रिलीजियस वर्क होते थे जैसे किसी को उलेमा हो गए जैसे या फिर जो स्कॉलर हो गए रिलीजियस स्कॉलर हो गए उनको डोनेट करने के लिए इस सब में इसका यूज़ किया जाता था किसका जकात का ये लिया जाता था किससे मुस्लिम पॉपुलेशन से एंड खम इट वॉज वन फिफ्थ ऑफ द बूटी वन फिफ्थ ऑफ द बूटी ओके ये क्या था हम जो था जब भी राजा अपनी सेना के साथ अपनी जो सोल्जर्स थे उनके साथ कहीं इन्वेज इन्वेजन करता था ठीक है इन्वेट करता था या एक्सपेडिशन करता था तो उससे जो भी इनको बूटी मिलती थी यानी कि जो भी वेल्थ मिलती थी उसका जो वन पॉइंट सॉरी वन फाइव फिफ्थ जो पार्ट था वो किसको मिलता था स्टेट को मिलता था ठीक है ये होता था स्टेट का वन फिफ्थ पार्ट जो था वो स्टेट का होता था एंड फोर फिफ्थ पार्ट जो है वो सोल्जर्स का होता था ठीक है इसमें इस आएगा नहीं जो फोर फिफ्थ पार्ट जो था वो सोल्जर्स का होता था और वन फिफ्थ पार्ट जो है वो स्टेट का होता था इससे पहले हमने देखा था जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया था है ना उसने वन फिफ्थ पार्ट जो था वो सोल्जर्स के लिए रख दिया था और फोर फिफ्थ पार्ट जो है वो स्टेट के लिए रख लिया था जिससे कि उसके जो रेवेन्यू था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था है ना उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ट्रेजरी एंड जिजिया वॉज़ इट वॉज़ लिवाइड ऑन द नॉन मुस्लिम जो जिजिया था वो नॉन मुस्लिम पर इम्पोज किया जाता था ठीक है जो नॉन मुस्लिम थे उन पर मोस्टली हिंदूज ओके नॉन मुस्लिम एंड मोस्टली ऑन हिंदू एंड एंड चिल्ड्रंस वाउ एवर एग्जेप्ट्रॉम टैक्सेस और जो वीमेन्स और चिल्ड्रंस थे वो ज्यादातर जो थे टैक्सेस से बचे हुए थे ठीक है और फरोज शाह जो तुगलक था फरोज शाह तुगलक ने जो ब्राह्मण थे ठीक है ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण्स पे भी जजिया इम्पोज किया था ठीक है और किसी ने नहीं किया था सल्तनत काल में फरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मी को भी नहीं छोड़ा था ठीक है एंड दिस इज़ द क्वेश्चन टू होम डिड्स फ्रोज तुगलक अपॉइंट टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू ऑफ द किंगडम यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स नाउ थर्ड वन इज़ लेवी ऑन अदर टैक्सेस और इसके अलावा जो हमने अभी फोर टैक्स पढ़े खराज जक़ात खैम एंड जिजिया इनके अलावा इसमें कुछ टैक्स लगाए थे दो तीन जो क्या थे इरीगेशन टैक्स था गार्डन टैक्स था एंड ऑक्ट्रो टैक्स एंड द सेल्स टैक्स वर द अदर इम्पोर्टेंट टैक्सेस ठीक है उन चार टैक्सेस के अलावा ये चार टैक्सेस थे जो कि फरोज शाह तुगलक ने इम्पोज किए थे नाउ विल टॉक अबाउट हिज इरीगेशन वर्क फॉलोइंग फोर कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाई हिम जो शाह तुगलक था उसने इरिगेशन के फील्ड में बहुत सारा काम किया था जो पहले की बहुत सारी कनाल्स वगैरह थी उनको पहले से थी उनको रिपेयर कराया और उसने जो फोर कनाल थी उनको कंस्ट्रक्ट भी कराया द फर्स्ट वन द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट कनाल कैरिट द वाटर्स ऑफ द रिवर जमुना टू द सिटी ऑफ हिसार और जो सबसे उसकी फर्स्ट वन और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट कनाल थी वो जो थी वो जमुना से हिसार जमुना से लेके हिसार सिटी तक थी जो बाटर जिसके द्वारा बाटर जाता था ठीक है इट वॉज वन फिफ्टी माइल्स लॉन्ग और ये वन फिफ्टी माइल्स लॉन्ग लंबी थी सबसे इम्पोर्टेंट कनाल थी ये ठीक है कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम जमुना टू सिटी ऑफ हिसार ओके एंड दिस इज अ क्वेश्चन हाउ मैनी टैक्सेज डिड फ्रॉ शाह इम्पोज यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड द सेकेंड कनाल वॉज ड्रॉन फ्रॉम रीवर सतलज एंड घाघरा इट वॉज अबाउट हंड्रेड माइल्स लॉन्ग और जो सेकेंड कनाल थी वो रीवर सतलज एंड घाघरा सतलज से घाघरा तक जाती थी और ये जो थी हंड्रेड माइल्स लंबी थी थर्ड कनाल वॉज द मांडवी एंड सिरमौर हिल्स टू हाँसी और जो उसकी थर्ड कनाल थी वो मांडवी से लेके मांडवी और सरमोर से लेके जो सरमोर हिल्स में से लेके कर हाँसी तक जाती थी एंड फोर्थ कनाल रन फ्रॉम घाघरा टू न्यूली इस्टेब्लिश टाउन ऑफ फ़रोज़ाबाद और जो उसने नया शहर बसाया था फ़रोज़ाबाद जो फोर्थ कनाल थी वो घाघरा से जो उसका नया बसाया हुआ शहर फ़िरोजाबाद था वहाँ तक जाती थी उससे जो फ़िरोजाबाद शहर था उसके लिए पानी की पूर्ति होती थी ठीक है वहाँ के लिए पानी की जो ज़रूरत होती थी वो इससे पूरी होती थी फोर्ट कनाल से इरीगेशन टैक्स वॉ चार्ज एट द रेट ऑफ वन टेंथ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द इरीगेटेड लैंड और जो भी लैंड ये सारी कनाल्स जो उसने बनाई थी उनसे इरीगेटेड की जाती थी तो उन सबको वन टेंथ ठीक है वन टेंथ जो पार्ट था वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था एज अ इगेशन टैक्स ठीक है द पेजेंट्स हैव टू पेगेशन वन प्रोड्यूस एज अ इरीगेशन टैक्स ओके विच लैंड इज इरीगेटेड बाय द कैनाल्स विच वर मेड बाय द स्टेट ओके ओनली दैन नाउल टॉक अबाउट लेइंग आउट गार्डन्स उसने बहुत सारे गार्डन्स बनाए और जो पहले से जो गार्डन्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे उनको रिपेयर कराया और लगभग द सुल्तान लेड आउट अबाउट ट्वेल्व हंड्रेड गार्डन्स इन एंड द अराउंड दिल्ली ठीक है सुल्तान था, था, था।, था।, था। उसने लगभग ट्वेल्व हंड्रेड गार्डन जो थे वो दिल्ली के आसपास लगवाए दीज गार्डन्स प्रोड्यूस सो मच फ्रूट दैट दे ट्रेजरी एंड एनुअल इनकम ऑफ वन लैक एंड एट्टी थाउजेंड टकाज ओके okay. और जब जो सारे गार्डन लगवाए उसने तो उससे बहुत ज़्यादा जो फ्रूट थे वो प्रोड्यूस होने लगे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो उनको क्या हुआ जब फ्रूट्स लगाए तो वो सेल किए गए होंगे जब एक्स्ट्रा फ्रूट लगे होंगे वहाँ पे तो सेल ए, उनकी सेल की गई तो उससे जो था प्रोडक्शन बढ़ने से सेल की गई सेल की तो उससे क्या था इनकम जो थी ट्रेजरी की जो एनुअल इनकम थी वो लगभग वन लैख एंड एटी थाउजेंड टकाज जो थी वो बढ़ गई ठीक है वन लैक एंड एट्टी थाउजेंड टका किससे गार्डन के प्रोडक्शन से और उसमें ब्लैक एंड वाइट अंगूर भी लगाए जाते ठीक है ब्लैक एंड ग्रीन एंड ब्लैक ग्रेफ जो थे वो भी प्रोड्यूस किए जाते थे उस टाइम न सिक्स द वेलफेयर ऑफ पेजेंट्स अब किसानों के वेलफेयर के लिए उसने क्या काम किया देखो फार्मर्स के द सुल्तान वेफ ऑफ़ द लोन्स डेट वि टू देम बाय मोहम्मद तुगलक एट द टाइम ऑफ ड्रॉट ठीक है जो जब हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है उस टाइम हमने पढ़ा था क्या हुआ था वहाँ पे ड्रॉट हो गया था ना कहाँ पे दुआब में तो उसके बाद क्या हुआ था जो मोहम्मद बिन तुगलक ना उसने बहुत ज़्यादा लोन्स दिए थे पेजेंट्स को बाद में सुधार करने के लिए लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था तो जो लोन्स दिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उनको फरोज शाह तुगलक ने क्या किया माफ कर दिया ठीक है उनसे कह दिया कि अब आपसे वापस जो लोन्स हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे ही इशूड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर नोट टू हरेस द पेजेंट्स और उसने अपने ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि जो भी पेजेंट्स हैं उनको हरेस नहीं किया जाएगा ठीक है उनको परेशान नहीं किया जाएगा नाउ विल टॉक अबाउट हिज हिस्स वर्कस दीज इंक्लूड द फॉलोइंग अब उसने बहुत सारे क्या बहुत ज़्यादा परोपकारी जो थे काम भी किए फर्स्ट वन वॉज द दीवाने खैरात ही इस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट नेम बाय दीवाने खैरात ठीक है दीवाने खैरात इट परफॉर्म टू मेन फंक्शन और दीवाने खैरात जो है वो दो मुख्य काम थे उसके क्या द मैरिज ब्यूरो गेव ग्रांट टू दुअर पेरेंट्स फ़ॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर जो मैरिज ब्यूरो था वहाँ पर उसने उस टाइम एक मैरिज ब्यूरो इस्टेबलिश किया जिसके द्वारा जो गरीब पेरेंट्स होते थे मतलब जिन जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाते जिनके पास पैसे नहीं होते थे तो उनको ग्रांट्स दिए जाते थे ठीक है अपनी डॉटर की शादी करने के लिए किसके द्वारा मैरिज ब्यूरो के एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द डेस्टिट्यूट और जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते थे जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं होता था ये उनको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कराते थे ठीक है कौन दीवाने खैरात दीवाने खैरात के लिए दो मुख्य काम थे पहला जो गरीब लोग थे जो अपनी लड़कियों की शादी करने में असमर्थ थे उनके लिए ग्रांट देना और दूसरा जो फाइनेंशी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक लोग थे बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे पुअर थे उनको हेल्प देना ठीक है एंड सेकेंड वॉज सफ़ा ठीक है सफ़ा मीन हॉस्पिटल ठीक है ही एंड हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल विच कॉल्ड सफ़ा हॉस्पिटल्स अप इन द इम्पोर्टेंट्स टाउन मेडिसिन गिवन फ्री टू चार्ज फ्री ऑफ चार्ज सॉरी और जो हॉस्पिटल थे वो जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए गए और जो गरीब लोगों को फ्री में दवाइयाँ देते थे पुअर पीपल वल्सो सफ्लाइड फूड और जो पीपल थे गरीब लोग थे उनको खाना भी दिया जाता था ठीक है देखा कितने अच्छे अच्छे काम किए थे इसने वेलफेयर के बहुत बढ़िया एंड सराइज़ थर्ड वन वॉज सराइज़ अबाउट टू हंड्रेड सराइज़ यानी कि रेस्ट हाउसेज ठीक है जिन्हें हम रेस्ट हाउस कहते हैं आज के टाइम में तो वहाँ उस टाइम उसने रेस्ट हाउस इस्टेब्लिश कराए थे मेडवल हिस्ट्री में कर सकते हो अंदाजा कितना बढ़िया राजा था अभी हम मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें देखते हैं अभी भी हम देखते हैं कि फ्री में कहीं रुकने के लिए नहीं होते हैं लेकिन उसमें उस टाइम फ्री पीपल्स के रहने के लिए लोगों को जो भी इधर उधर जो ट्रैवलर्स होते थे उनके आराम के लिए 200 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा सराय जो थी वो विल्ट की थी और सुल्तान फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मर्चेंट एंड अदर ट्रैवलर्स जिससे जो मर्चेंट्स होते थे या फिर जो अदर ट्रैवलर्स होते थे उनको उससे बेनिफिट होता था ठीक है कोई भी जा रहा है रास्ते में कहीं रात हो गई आराम से रुक जाए सराय में वहाँ पे खाना पीना भी फ्री दिया जाता था उन लोगों को मैं रहने की व्यवस्था होती थी इतना अच्छी व्यवस्था बनाई थी एंड फोर्थ वन इज ग्रांट टू सफरर्स द सुल्तान गेव रिगुलर ग्रांट टू ऑल दोज पर्सन ऑफ देयर एज हु हैड सफर बॉडली और एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक और जो भी जो पर्सन थे जो मार दिए गए या फिर जिनको शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी गई ठीक है जिनको जिनकी बहुत ज़्यादा परेशान किया गया एग्जीक्यूट कर दिए गए जो लोग ठीक है मार दिए गए किसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक में जैसे हम पढ़ा था बहुत सारे पनिश मतलब उसको पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट देता था वो है ना सिवरली पनिश करता था तो उनके जितने भी वो लोग थे या तो कुछ जिंदा थे तो उन लोगों को या फिर उनके जो अधिकार उत्तराधिकारी थे जो उनके एस थे ठीक है उनको इसने क्या किया लिबरल ग्रांट्स दिए ठीक है उनसे कहा कि भाई तुम मेरे भाई को माफ़ करो उसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए इसलिए मैं तुमको ग्रांट दे रहा हूँ तुम उसको क्षमा कर दो ठीक है उसको माफ़ कर दो जिससे कि उसको आराम मिल जाए मरने के बाद तो इसलिए ये इस तरह की प्रवृत्ति का राजा था कि जो इन चीज़ों में विश्वास करता था ठीक है सो दिस इज़ अ क्वेश्चन हाउ मैनी कनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाई फरोज शाह यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स नाउ वी विल टॉक अबाउट हिज पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट उसने बहुत सारे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किए फोर इंपोर्टेंट टाउन फाउंडेड बाई हिम और फ़िरोज़ाबाद फ़तेहाबाद जौनपुर एंड हिसार फरोज़ा ठीक है उसने वैसे तो बहुत सारे जो टाउन्स थे वो फाउंड किए थे लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो फोर हैं ठीक है कौन कौन से फिरोजाबाद फतेहाबाद जौनपुर एंड हिसार फरोजा टू पिलर्स ऑफ अशोक आबाद ब्रॉड टू डेली वन फ्रॉम मेरठ एंड अदर फ्रॉम टोपरा अमराल डिस्टिक एंड इरेक्टेड इन डेली ठीक है और जो अशोका जो एनशियट किंग थे ग्रेट अशोका उनके दो प्लर थे एक दिल्ली में था और आ, और एक टॉपरा मेरठ में था सॉरी और एक टोपरा में था ठीक है उन दोनों को ये दिल्ली लेकर आया और दिल्ली में उनको इस्टेब्लिश कराया गया ठीक है वहाँ से ला के कहाँ से मेरठ से और टॉपरा अमराला हरियाणा से जो हर, हरियाणा में पड़ता है वहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट से लाए गए दो और उनको दिल्ली में इरेक्टेड किया गया इन दिस रिकॉर्ड डॉक्टर वी ए स्मिथ हैज ऑब्जर्व और इसके बारे में बी एस मित ने जो ऑब्जर्व किया है वो है एशियाटिक किंग एज अ रूल शो नो इंटरेस्ट इन बिल्डिंग इरेक्टेड बाई देयर प्री डिसीजर विच यूजली आर अलाउड टू डिक अनकेयर फॉर और बी एस मित इसमें कहते हैं कि जितने भी एशियाटिक किंग हुए ठीक है जिन्होंने भी रूल किया उन लोगों ने अपने जो प्री थे उनके उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स थी उनमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया ठीक है जिससे क्या हुआ जिसका नतीजा जो पहले वाली जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा जिनकी उनकी केयर नहीं की गई और जिससे वो डिके हो गई बहुत ज़्यादा है ना बेकार हो गई और उनका कोई भी मतलब किसी कोई राजा आते गए अपनी न्यू न्यू बिल्डिंग जो थी उनको कंस्ट्रक्ट कराते गए और जो पहले जो बिल्डिंग्स थी पहले का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उसको किसी ने केयर नहीं की और ना उसकी कोई देखभाल की तो इसलिए वो सब बेकार हो गए और लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था इसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था जो पहले के इससे पहले के जो इसके प्रेडिसजर थे उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी उनको भी रिपेयर करने में इसने काफ़ी जो है योगदान दिया था जैसे कि कहा जाता है जो कुतुब मीनार थी जो कुतुब कुतुबुद्दीन एवक ने, ने इस्टबलिश की मतलब सम्मंड की थी और उसके बाद अलतुत्म ने उसको कंप्लीट किया था तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में उसकी जो ऊपर की बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी तूफान तो से ठीक है तो फरोज शाह दिखल ने उसको दोबारा से कंस्ट्रक्टेड भी कराया था फरोज शाह वॉज पर्टिकुलर इन डिवोटिंग मच अटेंशन टू द रिपेयर एंड रिविल्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मर किंग एंड एनशियन नॉवल्स देखो जैसा कि जो फरोज शाह था उसने बहुत ज़्यादा डिवोटी था पर्टिकुलर डिवोटी था किस में और बहुत ज़्यादा उसने अटेंशन दी जो उसके पहले फॉर्मर किंग्स थे या फिर एनसियन नॉवल्स से उनके द्वारा जो बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर बनाए गए थे उनको रिपेयर करने में और उनको रिवोल्ड करने में ठीक है बहुत ज़्यादा इसने इम्पोर्टेंट बहुत ध्यान दिया नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर जो जो उसके टाइम में एजुकेशन में और लिटरेचर के फील्ड में जो काम हुआ फिरोज शाह तुगलक वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ हिस्टोरियंस पोइट्स एंड इस्कॉलर जो फरोज शाह तुक लग था वो हिस्टोरियंस पोइट्स एंड इस्कॉलर का बहुत महान पैटर्न था ठीक है ही हिमसेल वॉज अ मैन ऑफ लर्निंग एंड रॉड हिज बायोग्राफी एंड टाइटल फतहात फरोज शाह और वो खुद एक बहुत अच्छा लर्निंग मैन था ठीक है बहुत आ, क्या कहेंगे ज्ञानी पर्सन था और उसने अपनी बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था क्या फ़तहात फरोज शाह ही ठीक है फतवाते फरोज़ शाही ही इस्टबलिश थर्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग थ्री कॉलेज और उसने लगभग थर्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टैब्लिश किए जिसमें थ्री कॉलेज भी थे टीचर्स वर लिबरली पेड एंड स्टाइफंड वर ग्रांटेड टू द स्टूडेंट्स और जो टीचर्स थे उनको इक्वली ठीक है सबको आज़ादी से सबको बराबर पेड किया जाता था और जो स्टूडेंट थे उनको स्टाई भी ग्रांटेड किए जाते थे आया समझ में एजुकेशन के फील्ड में भी उसने बहुत अच्छा काम किया था ही वर्क टू मच इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर जियाउद्दीन वर्नी रोट फतवा जहाँदारी एंड जियाउद्दीन वर्नी ने इसके टाइम में ही फतवा जहाँदारी लिखी एंड आफीफ रोट तारिक्रोज़ शाह और अफीफ ने कौन सी लिखी है तारीख़ फरोज शाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी द फेमस थियोलॉजन ऑल्सो फ्लोरिस्ट इन हिज कॉट और जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे जो इस्लामिक थियोलॉजन थे ठीक है वो भी इसके कोर्ट में रहा करते थे ठीक है इसके दरबार में किसके फरोज शाह तुगलक के जलालुद्दीन वरनी भी इसके दरबार में रहा ठीक है जलालुद्दीन वरनी जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी था और मोहम्मद बिन तुगलक़ के टाइम में जियाउद्दीन वर्नी की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बहुत गरीबी हालत में आ गया था तो कहा जाता है कि इसने फरोज शाह को खुश करने के लिए जो है फतवा जहाँदारी लिखी थी ठीक है फरोज़ शाह को खुश करने के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा इसने बहुत प्रशंसा किए बहुत प्रेस किए फरोज़ शाह तुगलक की जियाउद्दीन वर्नी ने और अफीक जो है वो भी उसके टाइम का था उसने तारीख़ फरोज शाही लिखी है वो ये कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर थे ठीक है मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो थे वो फेमस थियोलॉजियन थे इस्लामिक थियोलॉजियन थे और वो भी उसके कोर्ट में रहा करते थे यानी कि कुल मिला बहुत सारा एजुकेशन और लिटरेचर के टाइम लिटरेचर के फील्ड में इसके टाइम में बहुत सारा वर्क हुआ ठीक है वो खुद भी एक अच्छा स्कॉलर था नाउ विल टॉक अबाउट हिज जुडिशियल रिफॉर्म रोज तुगलक टू सीवियर पनिशमेंट फ्रोज तुगलक जाता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के बहुत ज़्यादा खिलाफ था ये एंडेड पनिशमेंट लाइक कटिंग ऑफ द लिम्स एक्सट्रैक्टिंग द आइज पुटिंग मेल्टेड ग्लास इन द थ्रोट बर्निंग अलाइव लाइव एक्सेट्रा और जितने भी सीवियर पनिशमेंट थे जैसे कि लिम्स को काट देना और आँखों को बाहर निकल निकाल देना ठीक है और जो उबलता हुआ मेल्टेड ग्लास है जो पिघला हुआ ग्लास वो गले में डाल देना या फिर जिंदा जला देना ऐसे जितने भी सीवियर पनिशमेंट थे उसने सबको एंडिट कर दिया ठीक है सबको रिमूव कर दिया मतलब मोहम्मद बिन तुगलक था उसके टाइम में बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दिए जाते थे है ना सीवियर पनिशमेंट करता मार दिया जिसने कुछ कहा उसको मार दिया काट दिया गया आंखें निकाल दी गई किसी की लिम्स काट दिए गए और उबलता हुआ पिघला हुआ ग्लास उसके गले में डाल दिया जिंदा जला दिया गया तो ये सारे जितने भी पनिशमेंट थे इसने सब खत्म कर दिए नाव एलेवन नंबर इज़ रिफ़ॉर्म्स इन द करेंसी सिस्टम और उसने करेंसी सिस्टम में भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए द सुल्तान इंट्रोड्यूस सेवरल्स टाइप्स ऑफ न्यू काइंस एंड इस्मॉलॉलॉल कॉइंस एंड इन शॉर्ट दैट नो फॉल्स काइंस कम इन टू सर्कुलेशन और सुल्तान ने बहुत सारे कई टाइप के न्यू काइंस छोटे काइंस या थोड़े बड़े काइंस अलग अलग तरह के मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो काइंस थे इसने चलाए जिससे कि और इंश्योर किया कि जिससे कि जो मतलब फॉल्स कॉइंस थे जैसे कि फॉल्स कॉइन्स आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ऐसे सर्कुलेशन में ना आ पाए ठीक है अलग अलग टाइप के कोइन्स चलाए उन पर स्पेशल साइन होते थे या फिर स्पेशल स्टैम्प वगैरह कुछ होती थी जो कि सिर्फ स्टेट ही स्टेट की जो माइंस सॉरी मिंट होती थी उसी में बन पाते थे तो और कोई उसे नहीं बना सकता था तो इसलिए इसने ऐसा काम किया एंड दिस इज़ द क्वेश्चन वर्ड वर फ्रोज शाहज चैरिटेबल वर्क यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स ना वी विल टॉक अबाउट हिज डार्क साइड ऑफ फ्रोज तुगलक्स रेन ठीक है अभी तक हम उसकी ब्राइट साइड स्टडी कर रहे थे अब उसकी डार्क साइड भी हैं वो भी करेंगे ठीक है फर्स्ट वन वो द फेलियर एज अ कॉन करर यानी कि विजेता के रूप में वो बिल्कुल फेल रहा ठीक है फ्रोज तुगलक वॉज नॉट एन एवल जर्नल वो कोई योग्य जनरल नहीं था नो सिग्निफिकेंट कॉन्क्वेस्ट वा मेड बाय हिम और उसके द्वारा कोई भी सिग्निफिकेंट कॉन्क्वेस्ट नहीं किए गए ठीक है कोई भी जितने भी उसने अटैम्प्ट किए जैसा कि हमने बंगाल का पढ़ा था तो उसको जीत नहीं पाया था उसने कहा कि फिर उसने जब हार जीत नहीं पाया तो उसने कहा कि मैं अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनको नहीं मानना चाहता हूँ किसी भी मुस्लिम को नहीं मानना चाहता हूँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझ में और मंगोल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा है ना तो उसने ये मतलब एक तरह का एक्सक्यूज़ समझ लो उसका तो उसने कोई भी सिग्निफिकेंट कन्क्वेस्ट नहीं किया था और इसलिए वो एक जर्नल के रूप में फेल था ठीक है नाव सेकेंड वन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन द सुल्तान इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स इन द आर्मी विच प्रोड्यूस नेगेटिव रिज़ल्ट और उसने क्या किया जो आर्मी थी उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए जिनके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे फर्स्ट वन ही डिड नॉट मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी और उसने कोई भी स्टैंडिंग आर्मी मैंटेन नहीं की मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं था उसकी आर्मी का कोई भी कैसे भी आके आर्मी में भर्ती हो जा रहा है मिलिट्री सर्विस बहुत मेड हरेडेटरी और जो मिलिट्री सर्विस थी वो हरेडेटरी कर दी उसने समझ लो मतलब अगर कोई बाप है किसी का पिता है वो आर्मी में है तो उसका आने वाले बेटे को अपने आप अगर वो मर जाता है तो उसका बेटा भी आर्मी में चला जाएगा चाहे वो उसके योग्य है चाहे वो फिजिकली एवल है या नहीं है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सैनिक बन सोल्जर बन सके या फाइट कर सके कोई भी मतलब डिसबल uh, पर्सन है वो भी मतलब हेरिडरी के आधार पर क्या हुआ उसको भी आर्मी में शामिल कर लिया गया द प्रिंसिपल ऑफ मैरिट वॉज इग्नोर्ड और कोर्स जो मेरिट का प्रिंसिपल था यानी कि योग्यता के आधार पर एबिलिटी के आधार पर जो जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी और इससे पहले के जितने भी शासक थे उन्होंने क्या किया था मेरिट के आधार पर जो थी आर्मी वो बनाई थी ठीक है स्पेशल अच्छी तरह से जाँचा परखा जाता था उनकी ट्रेनिंग की जाती थी लेकिन इसने क्या किया कि बिना किसी मेरिट के आधार पर मेरिट को इग्नोर कर दिया और बस भर लिया सबको आर्मी में द सुल्तान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पेइंग सैलरी वाई ग्रांट ऑफ लैंड और सबसे बड़ा जो काम था वो इसने ये किया कि जो सोल्जर्स थे उनको सैलरी के बजाय फिर से लैंड जो है वो ग्रांट देनी शुरू कर दी जैसा कि हमने इतुत्म के टाइम में पढ़ा था है ना उसने भी एक ताश चलाए थे सोल्जर्स को नॉवल्स को सबको इकता दे दिया करता था सैलरी की जगह ऐसा ही फिर से फरोज शाह तुगलक ने भी वही सिस्टम शुरू कर दिया एंड थर्ड वन इवल्स ऑफ जागीरदारी सिस्टम अब क्या हुआ जब इन्होंने क्या नोबल्स नॉवल्स को सोल्जर्स को सबको लैंड देनी शुरू कर दी सैलरी की जगह तो क्या हुआ उन लोगों के पास बहुत सारी लैंड्स हो गई इकट्ठी है ना और लैंड हुई तो क्या हुआ उससे जागीरदारी सिस्टम जो था वो चला फ्रोशाह तुगलक इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग जागीरस लैंड टू हीज ऑफिशियल इन प्लेस ऑफ कैश पेमेंट ठीक है कैश पेमेंट की बजाय उसने जागीर जो लैंड थी वो ग्रांट देनी शुरू कर दी इन ड्यू कोर्स जागीरदास बिकम वेरी पावरफुल एंड क्रिएटेड डिफिकल्टीज़ फ़ॉर द रूलर और इसके बाद क्या होगा क्या होगा भाई जब जागीर दी जाएगी सबको जमीन दी जाएगी लैंड दी जाएगी तो क्या होगा उसके पास उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा सैलरी तो भाई सैलरी दे दी और लैंड है लैंड गवर्नमेंट के पास रहेगी तो जितनी भी इनकम होगी गवर्नमेंट के पास जाएगी लेकिन जब सैलरी की जगह लैंड दे दी जाएगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा उसका जितना भी रेवेन्यू होगा वो सब किसके पास हुआ नॉवल्स के पास या ऑफिशियल के पास हुआ उनके पास बहुत बहुत ज़्यादा पैसे रहने लगे और क्या हुआ जब वो पैसे होंगे तो क्या होता है पैसा तो पावरफुल हो जाता है ना मनी से पावरफुल बन गया पर्सन और जब पर्सन पावरफुल होगा तो क्या होगा वो डिफ़िकल्टी अफकोर्स रूलर के लिए डिफ़िकल्टीज होंगी वहाँ पे है ना डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे जब उनके पास पावर ज़्यादा हो जाएगी देखेंगे कि रूलर तो बिल्कुल बेकार बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली रिवोल्ट करेंगे वो लोग सोचेंगे हम ही राजा बन जाए तो ये जो सिस्टम था वो इसके साथ टाइम से शुरू हो गया एंड द फोर्थ वन स्लेव सिस्टम हाँ इट इज सेड दैट फ्रोज तुगलक हैड मेंटेन अबाउट वन लैक एट्टी थाउजेंड स्लेवस समझ एक लाख अस्सी हजार जो स्लेब्स थे वो इसने रख रखे थे इतना शौकीन था स्लेब्स का समझ रहे हो? हिट पुट ग्रेट इकोनॉमिक बर्डन ऑन द स्टेट और इससे क्या हुआ जब इतने सारे स्लेब्स रखे जाएंगे तो उनके खाने पीने पहनने का सारा जो बर्डन होगा किसके पास जाएगा स्टेट पे जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा जो बर्डन था वो स्टेट पे हो गया दिस स्लेव सिस्टम प्रोव्ड वेरी हार्मफुल एंड वी एम वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द टुगलक एम्पायर और इसी दिल स्लेब सिस्टम जो था यही ये, ये बहुत ज़्यादा जो उसके ए, स्टेट था उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहा और ये तुगलक एम्पायर के डाउनफॉल में एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बन के रहा ठीक है इम्पोर्टेंट फैक्टर था ये भी इसके कारण भी इसका भी पूरा रोल था तुगलक एम्पायर के डाउनफॉल में किसका स्लेब सिस्टम का एविल्स ऑफ जागीदारी सिस्टम है ये भी इसने ही पूरा कंट्रीब्यूट किया जगह जगह रिवोल्ट होने लगे तो ओबियसली क्या होगा एम्पायर वीक वीक हो जाएगा वीक होगा क्या होगा जो राजा है अगर अच्छा हुआ अगर पावरफुल है सेंटर में तब वो सबको कंट्रोल कर सकता है अदरवाइज अगर वो पावरफुल नहीं है तो सब लोग अलग अलग अपना अपना इंडिपेंडेंस जो रेन है वो स्टेब्लिश करेंगे सब एम्पायर एंड हिज़ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग ठीक है उसकी हैबिट थी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की फ्रोजबाज सो एडिक्टड टू ड्रिंकिंग डेट वेनवर ही सेट आउट ऑन मिलट्री एक्सपडिशन ही वुड रिमेन इन स्टेट ऑफ ड्रिंकनेस फॉर सेवरल डेज इतना एडिक्टड था वो शराब पीने का ड्रिंक करने का ठीक है जब भी वो किसी मिलट्री एक्सपीडिशन के लिए जाता था कई दिनों तक वो नशे की हालत में रहता था इतना पीता था दिस वॉज़ फॉलोड बाई हिज़ न्स एंड फोर्स एज वॉल एर यही जब जैसा राजा है वैसी प्रजा है ना एज रूलर एज पीपल तो जब वो पीता था तो उसके नॉवल्स और जो फोर्स थी वो भी खूब पीते थे सब नशे में सारे एक जैसे <laughs> तो ये जो थे सारे रीजन्स थे वो इसके क्या थे बैड साइड थी ठीक है अब हम क्या करेंगे एक स्टीम एक लगाएंगे वी विल एनस्टिमेट ऑफ रोशाह कि अच्छा था बुरा था कैसा था ठीक है सब स्टडी कर लिए है तो जो सम स्टोरियंस जो हैं उन्होंने उसको प्रेज भी किया है उसकी पॉलिसीज़ के लिए उसके क्वालिटीज़ के लिए और कुछ स्टोरियंस हैं उन्होंने उसको क्रिटिसाइज भी किया है ठीक है ही हैज़ बीन प्रेज बाय सम हिस्टोरियंस एंड ऑल्सो क्रिटिसाइज बाईसो सम हिस्टोरियंस टू सो एज वी एज वी कैन सीन दैट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ठीक है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो हैं उन्होंने क्या कहा है द वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज द वॉचवर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर फॉर फ्रॉज इज कंसिडर्ड सॉरी कंसिडर्ड बाय वर्नी एज एन आइडियल मुस्लिम किंग जो ईश्वरी प्रसाद हैं उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा प्रेस की है किस लिए उसके वेलफेयर वर्क के लिए ठीक है जो लोगों के उसने पीपल्स का वेलफेयर किया वेलफेयर वर्क के लिए ठीक है किसने डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसने जो भी वेलफेयर वर्क किया पीपल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा देखने लायक है ना और इसीलिए जो वर्नी है जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जो वर्नी है उसने फ्रोज को एक आइडियल एंड आइडियल मुस्लिम किंग जो है उसको स्टेट किया है किसने वर्नी ने ठीक है according, he was an ideal. He was an ideal king. King of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate. Okay. According to Varni. क्योंकि उसने बहुत अच्छे वेलफेयर के काम किए हैं ना लोगों के देश जैसा हमने पढ़ा है बहुत सारी सराय बनवाए हॉस्पिटल्स बनवाए गरीबों को ग्रांट दी उनकी डॉटर्स की मैरिज करने के लिए तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अच्छा भी माना जाता है और इसीलिए बर्नी ने उसको एक आइडियल राजा कहा है ठीक है और अफीक अ कंटेम्प्ररी अफीब ही वॉज ऑल्सो अ कंटेम्प्ररी क्रॉनिकलर उसने क्या कहा है देयर दे मतलब पेजेंट्स ओके okay? पेजेंट्स पेजेंट्स होम्स वर प्लेट विथ ग्रेन्स यानी कि जो पेजेंट्स थे उनके जो घर थे वो अनाज से भरे रहते थे ठीक है किस किस टाइम में फ्रोशाह तुगलक के एंड एवरी वन हैड प्लेंटी ऑफ गॉड और हर किसी के पास प्लेंटी ऑफ गॉड गोल्ड था ठीक है प्लेंटी ऑफ गोल्ड इतना सोना था सबके पास खूब सोना था एंड नो वूमन वॉज विदाउट ऑर्नामेंट और कोई भी जो वीमन थी वो बिना ऑर्नामेंट के बिना गहनों के नहीं देखी जा सकती थी ठीक है किसने कहा है ये अफीब ने अफीफ ने कहा है कि फरोज शाह तुगलक के समय में जो किसान थे उनके जो घर थे वो अनाजों से भरे रहते थे और हर किसी के घर में एवरीवन के घर में गोल्ड और सिल्वर खूब सारा गोल्ड और सिल्वर था और कोई भी बीमन बिना Uh, कोई भी वूमन जो थी वो बिना ऑर्नामेंट्स uh, के नहीं देखी जा सकती थी इतना मतलब खुशहाली थी थे इतनी हैप्पीनेस थी उसके टाइम में ये अफीक ने कहा है ना सम हिस्टोरियन ऑल्सो क्रिटिसाइज हिम लाइक वाइज रिगार्डिंग फ्रोज शहाज एक्सपेडिशन टू सिंध ठीक है एक्सपेडिशंस टू सिंध के बारे में कहा है किसने डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है द एक्सपेडिशन वॉज द सिंगुलर इंस्टेंस ऑफ द सुल्तान्स फेलिनिटी एंड लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक स्किल जब उसने सिंध पर एक्सपीडिशन किया उसके बारे में ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि जो सिंध पर उसका जो एक्सपीडिशन था वो पूरे हिस्ट्री में एक अकेला ऐसा इंस्टेंस है उदाहरण है जो कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड जैसा हमने पढ़ा था कि उसका जो ये एक्सपेडिशन था बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज एक्सपेडिशन था ठीक है उसमें स्ट्रेटेजिक स्किल की बहुत ज़्यादा कमी थी और कोई भी उसको ऑर्गेनाइज किसी भी तरह से उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था बस ऐसे ही कर दिया गया था ठीक है ऐसे ही एक्सपेडिशन करने लगा अपनी फोर्स ली और चल दिए तो ये पूरे हिस्ट्री में अकेला ऐसा उदाहरण है ठीक है एग्जाम्पल है एंड इन द सेम मैनर द डॉक्टर आर सी राइट्स और आरसी मजूमदार हैं जो उन्होंने भी लिखा है इसके बारे में क्या लिखा है फ्रोज वॉज द ग्रेटेस्ट विगेट फ्रोज वॉज द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट विगेट ऑफ हिज एज ओके जो फरोज शाह तुगलक तो था वो अपने समय का सबसे ज़्यादा क्या था सबसे बड़ा विगेट था यानी कि धर्मांत शासक था किसने कहा है आरशी मजूमदार ने तो हमने देखा कि कुछ जो हिस्टोरियंस हैं कुछ ने उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है और कुछ उसकी कुछ पॉलिसीज को लेकर उसकी क्रिटिसाइज भी किया गया है और कुछ पॉलिसीज़ को लेकर उसको प्रेज़ भी किया गया है सो नाउ वी विल दे सी एट अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट द वी कैन कंक्लूड द डिस्कशन विद द व्यूज ऑफ डॉक्टर वी ए स्मिथ और हम इस डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हैं एट द व्यू ऑफ वी ए स्मिथ प्रो शाह वॉट एवर मे हैव बीन हिज डिफेक्ट्स और वीकनेसेस डिजर्व मच क्रेडिट फॉर हैविंग मिटिगेटेड इन सम रिस्पेक्ट ऑफ द हॉरिवल प्रैक्टिसज ऑफ हिज प्रिडिस एंड फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस समचर ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स इन टू द एडमिनिस्ट्रेशन तो बी ए स्मिथ का कहना क्या है चाहे फ्रोशादुगलग में कितनी भी कमियाँ क्यों ना रही हों ठीक है कितनी भी कमियाँ क्यों ना रही हों लेकिन फिर भी हम उसको इस चीज़ के लिए कुछ क्रेडिट जरूर देंगे जो भी जितनी भी हॉरिबल प्रैक्टिसेस ठीक है उसके प्रीडिसिजर के समय से चली आ रही थी उन सबको उसने ख़त्म किया और उसने एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमैनिटी का ठीक है ह्यूमैनिटी का टिंचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया यानी कि उसने दिखाया कि राजा भी एक ह्यूमन के वेलफेयर के, के लिए वर्क कर सकता है है ना ह्यूमन फीलिंग्स जो थी उनका टिंचर एडमिनिस्ट्रेशन में वो लेके आया क्योंकि उसने इतने सारे पब्लिक वेलफेयर कार किए उनसे सबका भला हुआ उसने खूब मतलब भलाई के कार्य किए ना वेलफेयर के कार्य किए तो वो जो था वो पहला राजा था जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा ह्यूमन थिंकचर लेकर आया था ठीक है ह्यूमन फीलिंग लेकर आया था ह्यूमिनिटी की तो इसलिए उसको कितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए उसकी वीकनेसेस के लिए लेकिन इतना तो वो डिजर्व करता है कि जो उसकी पहले के जो राजा थे उन्होंने जितने भी हॉरिबल प्रैक्टिस जो चल रही थी उनको ख़त्म किया जैसे कितने सीवियर पनिशमेंट थे उनको ख़त्म किया इतने सारे टैक्सेस थे जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते थे है ना उन सबको ख़त्म किया और इतने सारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाना स्कूल्स बनाना है ना कॉलेजेस बनाना एंड डोनेट करना ग्रांट देना गरीब लोगों को पुअर को पेजेंट्स को ग्रांट देना इतने सारे मतलब बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम किए इसलिए इस चीज़ के लिए उसकी प्रेज़ जरूर होनी चाहिए ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो थैंक्स टू ऑल